हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट एंड दिस इज वीडियो नंबर 25। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 कैश बुक में टॉपिक पेटी कैश एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे पेटी कैश होता क्या है। देखिए, पेटी कैश एक्सपेंसेस एक ऐसे खर्चे हैं जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनको हम कहीं पर कैश बुक में नोट नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग से एक कैश बुक बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस। इट मीन्स खुदरा रोकड़ पुस्तक, जिसमें छोटे छोटे खर्चों को नोट किया जाता हो। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई दुकान है या कोई फर्म है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि वहां पर एक अकाउंटेंट छोटा सा बैठा रहता है और मालिक के द्वारा उस अकाउंटेंट को मान लीजिए पैसे दे दिए जाते हैं 1000 रुपए की पकड़, और पूरे सात दिन का यानी 1 वीक का आपको खर्चा चलाना है। जो कस्टमर्स आते हैं उनको चाय कॉफी नाश्ता कराना है, इस प्रकार के रिफ्रेशमेंट आपको देने हैं, तो वो होता है पेटी कैश। क्योंकि कोई कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनको आप रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं या छोटे मोटे आप चाय कॉफी वगैरह उनको पिला रहे हैं, तो वही चीज हमारी क्या कहलाती है, पेटी कैश के खर्चे हैं। क्योंकि ऐसे खर्चों को लिखा नहीं जाता है, या कोई भाड़ा रिक्शा वाला आ रहा है, उस रिक्शा वाले को भाड़ा आप दे रहे हैं माल के लिए, तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो सभी आपके पेटी कैश एक्सपेंसेस में आते हैं। तो पेटी कैश एक्सपेंसेस आपकी मेनली दो प्रकार से बनाई जाती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो यहां पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश एक्सपेंसेस की, क्योंकि सिंपल कैश बुक आपके एडिशन 2020 की बुक में आपको गिवन नहीं है, और सिंपल वाली काफी इजी भी है। हम बात करेंगे डायरेक्ट एनालिटिकल की। एनालिटिकल पर ये विश्लेषण किया जाता है कि कितने रुपए किस आइटम पर खर्च किए गए हैं और उसका बैलेंस किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आइए बनाते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो देखिए, एनालिटिकल पेटी कैश बुक फॉर्मेट आपका इस प्रकार से बनेगा, जिसमें पहला कॉलम रिसीप्ट्स, जो अमाउंट अकाउंटेंट को दी जाती है खर्च करने के लिए वो रिसीप्ट में आएगी। डेट्स, जिन डेट्स में खर्चे होंगे, पैसों का आवागमन होगा, वो डेट्स में। वाउचर नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या 1, 2, 3, 4 भी नोट कर सकते हैं। पार्टिकुलर्स में आपके आइटम लेकर नोट किए जाएंगे। टोटल पेमेंट्स में जितनी पेमेंट्स उस आइटम पर की जा रही है वो पेमेंट की जाएगी। और यहां पर हम पर्टिकुलर अकाउंट का एक कॉलम यहां मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आइए एक क्वेश्चन उठाते हैं। आपकी बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14, जिनके पास बुक नहीं है वो सामने स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है April 1st में रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट के लिए रिसीव्ड प्राप्त हुआ है 20,000 रुपीज का। तो आप 20,000 रुपीज का नोट करेंगे डेट 2020, और कौन सी डेट को प्राप्त हुआ है, ये April 1st को। कितने 20,000 रुपीज प्राप्त हुए हैं, सो रिसीप्ट वाले कॉलम में आप 20,000 रुपीज शो कराएंगे क्योंकि प्राप्त हुए हैं ये, और कैश पेमेंट प्राप्त हो रहा है इसलिए पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्योंकि प्राप्त हो रहा है। बाकी जितने भी खर्चे किए जाएंगे वो सब बाय के थ्रू किए जाएंगे, क्योंकि पेमेंट्स सब बाय के थ्रू यानी क्रेडिट साइड से किए जाते हैं, आप जानते हैं। जैसे डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है तो हम टू और बाय का प्रयोग बहुत सोच समझ के करेंगे। पैसा अगर आ रहा है तो टू से, पैसा जा रहा है तो बाय से इंडिकेट करेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट। अब वो सारे खर्चे आपको गिवन होंगे। April 2 में पेड फॉर पोस्टेज के लिए उसमें पैसा दिया है April 2, सो यहां नोट करेंगे बाई पोस्टेज अकाउंट। तो पोस्टेज अकाउंट आपका है 1600 रुपीज का। कितने का, 1600 रुपीज आप यहां नोट करेंगे, और एक कॉलम अब पोस्टेज का यहां पर आप बना देंगे पोस्टेज अकाउंट, ठीक है, जिसमें आपके पोस्ट से संबंधित सभी जितने भी हमारे अकाउंट्स होंगे वो सभी पोस्टेज अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। यानी कि यहां डाल देते हैं 1600 रुपीज पोस्ट के, यानी कि टोटल पेमेंट में 1600 और अकाउंट्स में 1600। आगे
और भी जो आएंगे तो देखते हैं क्या क्या होता है। अप्रैल 5 पेड फॉर स्टेशनरी, अप्रैल 5 बाई स्टेशनरी अकाउंट, तो यहां पर स्टेशनरी का एक कॉलम बना देते हैं हम, स्टेशनरी अकाउंट। ओके, ये कितने रुपए है कि 1000, स्टेशनरी के सामने 1000। नेक्स्ट इज वेजेस, डेट 12 बाई वेजेज अकाउंट, बाई वेजेज अकाउंट। वेजेज आपकी कितने रुपए की है वो देखेंगे, वेजेज है आपकी 800 रुपीज की। सो वेजेज एंड सैलरी का एक कॉलम आप बना दीजिए, वेजेज एंड सैलरी, यानी कि जो मिलता जुलता अकाउंट हो उसको आप एक ही अकाउंट में ज्वाइंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है प्रत्येक अकाउंट के लिए अलग कॉलम ही बनाना पड़ेगा। अगर वो मिलते जुलते अकाउंट्स हैं तो उनको आप एक कॉलम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैरिज हो गया, कार्टेज हो गया, इनको आप एक कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। वेजेज हो गई, सैलरी हो गई, या अन्य कोई मानदेय हो गया, तो उनको आप एक कॉलम बना सकते हैं। वेजेज आपका कितने रुपए का है, 800 का है, सो 800 रुपीज आपने वेजेस के डाले। टोटल पेमेंट्स बाद में नोट कर देंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं। पेड फॉर कैरेज 600, डेट 16, पेड फॉर कैरेज बाई कैरेज अकाउंट। ओके, कैरेज एंड कार्टेज के लिए कॉलम बना देते हैं, कैरेज एंड कार्टेज। कितने रुपए है ये कैरेज का, 600। नेक्स्ट इज 20 में पेड फॉर कन्वेंस बाई कन्वेंस अकाउंट, कितने हैं कन्वेंस के, 880 रुपीज। सो कन्वेंस के लिए आप कन्वेंस और ट्रेवलिंग का एक कॉलम बना सकते हैं, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, कितने रुपए, 880 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 25 में पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। सो ट्रेवलिंग और कन्वेंस के लिए मैंने एक ही कॉलम बनाया हुआ है, तो ट्रेवलिंग के चार्ज को भी आप कन्वेंस वाले कॉलम में डाल सकते हैं, 3200 रुपीज यहां पर आपने डाल दिए क्योंकि मिलते जुलते अकाउंट है। नेक्स्ट इज 28 पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग बाय ऑफिस क्लीनिंग। तो देखिए ऑफिस क्लीनिंग के लिए अलग अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप ऑफिस के अदर एक्सपेंसेस को डाल सकते हैं, तो इसलिए यहां पर हम अदर एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम बना सकते हैं। तो आइए हम बना देते हैं अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि ऑफिस की साफ सफाई वगैरह ये सभी के लिए अगर कॉलम हम नहीं बनाना चाहते तो इनको आप अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं या सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से डाल सकते हैं। सो अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस क्लीनिंग आपकी आ जाएगी कितने की, 400 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज पेड फॉर कोरियर, कोरियर आपका पोस्टेज में आ जाता है, तो यहां पर आप पोस्टेज में ही पोस्टेज एंड कोरियर के नाम से अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टेज हो गया, कोरियर हो गया, स्पीड पोस्ट हो गई, ये सभी पोस्ट से रिलेटेड हैं, तो इसके लिए एक कॉलम काफी है। तो ये आपका है डेट 29 में बाय कोरियर अकाउंट, कितने अमाउंट, 800 कोरियर वाले कॉलम में। नेक्स्ट इज सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को रजिस्टर्ड नोटिस आपने सेंड किया है, कितना, 190। तो लीगल एक्सपेंसेस हो गए, लीगल एक्सपेंसेस के लिए आप चाहें तो अलग कॉलम बना सकते हैं यहां पर अदर एक्सपेंसेस के बाद, अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप लीगल एक्सपेंसेस के लिए अलग कॉलम बना सकते हैं, जो भी कानून से संबंधित कार्यवाही होती है, रजिस्टर्ड है, नोटिस है, स्टाम्प है, ये सभी चीज के लिए। सो सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड डेट 30 बाय लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से इसको शो करा देंगे, अमाउंट
190 रुपीज। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब देखते हैं इसका बैलेंसिंग कैसे लगाते हैं, हम बैलेंसिंग पर विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले टोटल पेमेंट आप नोट कर लीजिए, स्टेशनरी का 1000 है, आगे कुछ नहीं है, वेजेस का 800 रुपीज है, इसका 600 रुपीज है, इसका 880 रुपीज है, इसका 3200 रुपीज है, इसका 400 रुपीज है, इसका 800 है, इसका 190 है। ओके, अब टोटल लगा देते हैं, तो एक कॉलम छोड़ करके आप टोटल यहां पर लगा सकते हैं सभी अकाउंट्स का, सभी अकाउंट्स टोटल लगा सकते हैं। ये टोटल हो गया 2400 रुपीज पोस्ट कोरियर अकाउंट का, इसका 1000 रुपीज, इसका 800 रुपीज, इसका 600, इसका हो गया आपका 4080 एंड 400 एंड 190। ओके, अब आप टोटल पेमेंट टोटल लगा दीजिए, टोटल पेमेंट जो टोटल होगा वो टोटल इन सबके टोटल से मैच हो जाएगा, यानी कि क्लॉस आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आइए टोटल लगा देते हैं पहले इसका, तो ये आपका टोटल 9470 रुपीज आ गया है। देखिए अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस में क्या है, हमारे पास 20,000 रुपीज की रिसीप्ट दिए हुए थे, 20,000 रुपीज हमें प्राप्त हुए थे, जिनमें 9470 रुपीज का आपका टोटल खर्चा हो चुका है, एक्सपेंस हो चुके हैं। अब जो बैलेंस निकल के आएगा उस बैलेंस को हम क्रेडिट डाउन में नोट करेंगे, जैसे हम करते हुए आए हैं अभी तक। तो बैलेंस देखेंगे, बैलेंस कितना आया, तो 20,000 माइनस 9470 रुपीज आपने निकाला, तो जिस डेट को आपका लास्ट एक्सपेंसेस है उसी डेट को आप बैलेंस को नोट करेंगे, ध्यान रहे। सो लास्ट डेट हमारी 30 है और 30 वाली डेट को ही आप बैलेंस को नोट कर देंगे, और वो डेट आपकी कौन सी हो गई, 30, और यहां लिखेंगे हम टोटल के बाद बाई बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, और कितने रुपए का बैलेंस निकल के आया आपका, 20,000 माइनस 9470 रुपीज, सो आपका निकल के आएगा ये 10,530 रुपीज। ओके, एंड देन टोटल बराबर कर देंगे यहां पर 20,000 और इसके सामने रिसीप्ट का टोटल भी 20,000 रुपीज। ओके, टोटल आपको दिखा है, इक्वल हो गया दोनों साइड 20,000 एंड 20,000। बैलेंस को नीचे उतार लाएंगे नेक्स्ट डे में, इसमें नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट मंथ में नहीं, जिस डे को आपने बैलेंस कैरेट डाउन किया है उसकी जस्ट नेक्स्ट डे में आप उस बैलेंस को आगे ले जाएंगे। सो नेक्स्ट डे कौन सा है आपका, May 1st लिखेंगे आप टू बैलेंस बीडी कितना, 10,530 रुपीज, 10,530 रुपीज टू बैलेंस बीडी। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप एनालिटिकल पैटी कैश बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, तो अच्छे से आप एनालिटिकल पैटी कैश बुक का रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।